न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की। दरअसल प्रयागराज के सैदाबाद विकासखंड के डोरहा गांव में स्थित जल निगम की पानी की टंकी से करोहा नौ बाजार गांव के पास हाईवे अंडरपास पुलिया के नीचे कई सालों से जल निगम की पाइप टूटी हुई है, जिससे हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जल निगम विभाग से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। जहां एक तरफ पानी की बर्बादी तो है ही, वहीं सड़क पर जलभराव होने से सड़क पूरी तरह से टूटकर तालाब और गड्ढों में तब्दील हो गई है। राहगीर गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्राम प्रधान करोहा अशोक कुमार सहित कई ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जल निगम की टूटी पाइप बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां प्रदेश की योगी सरकार हर घर नल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का दावा कर रही है, तो वहीं कुर्सियों पर बैठे उनके नौकरशाह पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर जब जल निगम जेई से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस स्थान पर पाइप को लॉक किया गया है, जिससे पाइप फट गई है, लेकिन पाइपलाइन बदलने का काम अब तक शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। समस्या है कि जल निगम की पाइप फटी है, यहाँ कोई शिकायत का उदान किया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं पहुँचा नहीं है, नहीं दिया शिकायत हुआ है। यहाँ पे समर्थन मैंने हर लोग भी आके यहाँ पे अभिजित हुए हैं यहाँ दुकान पे, कि यहाँ से मतलब हर शासन भी हर नेता भी आते जाते भी दे, मगर इस पर कोई गौर नहीं किया। यहाँ तक मैं कुछ संकेत दिया, भाई लोग यहाँ तो बहुत लोग की तकलीफ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पानी के जलगम की वजह से गड्ढे हो रहा है, कम से कम इसकी कोई शिकायत किया जाए, मगर इस पर कोई गौर नहीं हुआ है। कि नौ बाजार गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्रिज के नीचे जल निगम के पाइप आज लगभग विगत लगभग 7-8 वर्ष से टूटी हुई, कई बार प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधानों द्वारा या क्षेत्र के जनता द्वारा दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 10 से 20 या 25 लोग डेली इस गड्ढे में गिरते हैं, हाथ टूट जाता है किसी के पैर टूट जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रणविजय, देखा जाए तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल है तो कल है, लेकिन शायद प्रयागराज के जल निगम के जो अधिकारी हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हजारों लीटर रोजाना पानी बर्बाद हो रहा है, साथ ही साथ सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है, तालाब में से लोग निकलते हुए नजर आते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी शायद उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। जी, ये मामला विकासखंड सैदाबाद के ढोरहा ग्राम सभा इसके लिए जल निगम पानी की टंकी है। उस जल निगम पानी की टंकी से पूर्व में भी कई गांवों में सप्लाई होती थी, लेकिन इस समय हर घर नल योजना के तहत जो स्कीम चलाई गई है, उसके तहत प्रत्येक गांव में जल निगम पानी की टंकी स्थापित की जा रही है। पूर्व में बनी यह टंकी की जो लंबी सप्लाई थी, उसे काट करके और जगह से सप्लाई को बंद किया जा रहा है। उसी के क्रम में यह हाईवे अंडरपास पुलिया के पास नौ बाजार और करौहा के एक संपर्क मार्ग है, उसी पे ये जल निगम पानी की टंकी कई सालों से टूटी हुई है, या यूं कहा जाए कि उसको लॉक किया गया था, उसका लॉक टूट गया है, जिसको लेकर के कई ग्रामीण वहां पर कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, संबंधित विभाग को जेई को अवगत भी कराया गया है, लेकिन बावजूद उसके भी यह लीकेज पानी का बंद नहीं हो रहा है, जिससे हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद तो हो रहा है, वहीं आवागमन के लिए सड़कें बनी वो भी टूट गई है, लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लोगों के लिए यह समस्या बहुत समय से बनी हुई है। लोगों का कहना है, कई बार इसकी शिकायत भी किया गया है, लेकिन इस पर विभाग अमल नहीं कर रहे। रणविजय, कितने सालों से समस्या बनी हुई है, और यहाँ पर जो जल निगम के अधिकारी है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, इस मामले को लेकर के हम जल निगम जेई से जब हमने बात किया, जो
विकासखंड के एक जेई होते हैं जिनके अंडर पूरे विकासखंड की जिम्मेदारी होती है, उनसे जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर से कहना है कि पूर्व की जो लंबी सप्लाई थी उसे हर नल योजना के तहत बन रही जल निगम टंकियों के कारण लॉक किया जा रहा है। सीमित भी सप्लाई की जा रही है, वो लॉक टूट गया है और जिसको लेकर के अभी वो दुरुस्त नहीं किया गया है। और इसकी जब हम शिकायत की तो उन्होंने कहा है कि ये ग्रामीणों के कहने पर ही एक साथ खोला गया था लेकिन फिर बंद किया गया, फिर यह टूट गया है। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर हजारों लीटर पानी जो रोज बर्बाद हो रहा है और सप्लाई जो हुई जो लीकेज है करने की बात यहाँ पर है। अच्छा रणवीर जी, ये बताइए कि इस पाइपलाइन से कहाँ कहाँ तक कौन कौन से इलाकों में पानी जाता है? जी, इस पाइपलाइन से ढोरहा नौ बाजार सहित कई गांवों की पहले सप्लाई होती थी लेकिन हर घर नल योजना के तहत जो प्रत्येक गांव में जल निगम की टंकी की निर्माण कराया जा रहा है उसके तहत इसे लॉक किया गया था कि आगे इसका सीमांकन नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके यह लॉक टूट गया है और इस पर विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह बन नहीं रहा है। तो पानी की बर्बादी अगर ऐसे ही होती रहेगी तो पानी की आपूर्ति कैसे होगी जिसकी तैयारी यहाँ पर सरकार लगातार कर रही है? ये तो एक समस्या बहुत ही बड़ी विकट समस्या है कि हर घर नल योजना के तहत जहाँ सरकार गांव घर घर पानी पहुँचाने का दावा कर रही है और इसी तरीके से अगर लीकेज रहा तो लोगों तक कहाँ पानी पहुँच पाएगा। चाहे हर घर नल योजना के तहत अभी कई भी गाँव में ऐसी समस्याएं हम देख रहे हैं, वो सभी मुद्दों को हम उठाएंगे कि ये जल निगम की जो नई सप्लाई की जा रही है वो देख रहे हैं किसी किसी गांव में पानी पहुंच ही नहीं रहा है, ऐसे किसी तरीके से टूट के बर्बाद हो रहा है और उस पर जरा भी विभाग ध्यान है। विभाग तो एकदम लगे रहे कि कभी क्षेत्र में दौड़ा भी नहीं करते हैं, क्या शिकायत लोग करनी है और क्या लोगों की समस्या है, लोगों तक पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इस पर बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, और आसपास के ग्रामीणों से आपने बात की है, आप ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे, स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है? अगर इस अंडरपास की हम बात करें तो यहाँ से रोजाना कितने वाहन गुजरते हैं और क्या ये मेन अंडरपास है? जी बिल्कुल, ये अंडरपास कई गांव संपर्क मार्ग को जोड़ता है और ये जो है यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के वाहन आते जाते रहते हैं और लोगों को ये देखा भी जा रहा है कि दो पहिया वाहन किस तरीके से दीवार पर चढ़ा करके पटरी से कभी कोई गिर भी रहा है, कभी कोई किसी तरीके से जा रहा है किसी पानी में, और चार पहिया वाहन किसी तरीके से गड्ढे में आते जाते रहते हैं, लेकिन यह दयनीय स्थिति बहुत बनी हुई है। इसी के सामने एक इंटर कॉलेज भी है, वहां भी लड़के आते जाते रहते हैं लेकिन यह देखा जा रहा है कि यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई है और इस पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ग्रामीण परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई असर होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। रणविजय, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ग्रामीण आपके साथ मौजूद थे, उन ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया है, कितने लोग अब तक इस मार्ग से गुजरते हुए चोटिल हो चुके हैं? जी, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हर रोज कोई ना कोई गिर रहा है, गिरते हैं तो लोग दहित भी हो रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि इसमें कितने गड्ढे हो गए हैं और लोग वाहन को लेकर के उसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश जब करते हैं तो वो गिर के चुटहिल हो जा रहे हैं। लोगों की काफी दिनों से बहुत विकट समस्याएं यह बनी हुई है, रात में तो अक्सर कोई ना कोई घटनाएं यहाँ पर घट जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं और बाइक या कोई भी वाहन लेकर के अंदर प्रवेश जैसे ही करते हैं तो गिर जाते हैं, लोगों को चुटहिल होते हैं। लोगों की काफी यह समस्या है, यह काफी दिनों से यह समस्या सालों से बनी हुई लेकिन इधर भी लीकेज कुछ ज्यादा हो गया है जो तालाब का रूप एकदम ले लिया है और पानी हमेशा यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं कि समय बारिश का कोई भी सीजन नहीं है लेकिन तालाब की तरह पानी यहाँ पे हमेशा बना। ठीक है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, साथ ही साथ जो अफसर कुर्सियों पर बैठे रहते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पोल खोल रही है तस्वीरें, ये कहा जा सकता है। रणविजय, देखिए आपने बात की कि जल निगम की पानी की टंकी है करोहर से नौ बाजार गांव के पास जो अंडरपास है वहां पर हालात ऐसे बने हुए हैं, एक पाइपलाइन को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से लगातार ये लीकेज हो रहा है पानी और हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ योजना चल रही है और ना योजना का लाभ लोगों को मिल पा रहा है ना इस पाइपलाइन से पानी का लाभ लोगों को मिल पा रहा है, तो जल आपूर्ति ग्रामीणों को कैसे हो रही है?
जी यही तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही कहना है कि अगर इसी तरीके से रहा तो ये हर घर नल योजना कहाँ तक, हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये तो फिलहाल ये पहले की बनी हुई टंकी है, जो पूर्व की बनी हुई ये टंकी है, फिलहाल अभी भी इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है काफी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। कैसे फिर लोग आपूर्ति करते हैं पानी की, आपने बात की होगी, क्या कहना है उन लोगों का? जी उनका तो साफ तौर से कहना है कि किसी तरीके से जो है घर पर बने हैंड पाइप या किसी तरीके से जो है निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अगर ये समस्या सॉल्व हो जाती है तो हम लोगों तक पूरा पानी भी पहुंचेगा और ये लीकेज भी बंद हो जाएगा। तो ये लीकेज बंद कराने के लिए जो जल निगम के अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं, कब तक इस पर काम हो जाएगा, कितना आश्वासन दिया है? रणविजय मेरी आवाज आ रही है आपको? रणविजय क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, अशोक कुमार प्रधान है करोहा से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैडम। अशोक जी मैं करोहा से बात कर रही हूँ, एक समस्या। हम गाड़ी चला हरिया में बात कर रहे हैं थोड़ा बाजार में। अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही, गाड़ी चला रहे हैं। मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से फोन मिलाइएगा। तो रणविजय मेरी आवाज आपको मिल रही है? रणविजय तक भी मेरी आवाज नहीं जा पा रही। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, ये तस्वीरें देखिए किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। कई सालों से ये जो अंडरपास है इसमें इसी तरह के हालात बने रहते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जब वाहन यहाँ से गुजरते हैं, दुपहिया हो चारपहिया हो, दुपहिया वाहन जो है वो ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कई बार लोग चोटिल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जल निगम इस ओर कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ तो लोग चोटिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी जो है वो रोजाना बर्बाद हो रहा है। अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैडम। सर मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ, एक समस्या थी कि अंडरपास में लगातार पानी भर रहा है करोहा के, और सालों से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। क्या आपने इस पूरे मामले को जल निगम के पास रखा? जी जी बात ये कोई सुनाई नहीं हो रहा है, हाईवे के पुल के नीचे है वो। जी तो कितने सालों से स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? अरे साल डेढ़ साल तो कोई बनी नहीं है। तो आश्वासन नहीं मिला कोई कि कब तक ये लीकेज जो हो रहा है पानी का ठीक हो जाएगा? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों ने शिकायत कितनी बार की है? दो तीन बार कह चुके हैं सर, दो तीन बार शिकायत, कोई सुनवाई नहीं है। पानी की आपूर्ति गाँव में कैसे हो रही होगी? नहीं हो रही है, बंद है। तो फिर कैसे पीने का पानी लोगों तक पहुंच रहा है? अब लोगों थोड़ा ये हैंडपाइप यही तो कर रहे हैं। अच्छा, इधर उधर से लाकर दूर दराज से पानी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं पीने के पानी का? जी मैडम। तो आपको उम्मीद है, जो आश्वासन मिल रहा है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा? भरोसा है मैडम कि हो जाएगा, देखो आप लोग इसलिए तो करवाए कि हम लोग बोल रहे हैं भैया लोग आए चलाएंगे, हो सकता है पहुंच जाएगा, हो सकता है कि हम पर ठीक है। जो यहाँ के जेई है जल निगम के, उनसे आपकी बात हो पाई है? नहीं हुई। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणविजय अशोक कुमार प्रधान हमारे साथ जुड़े थे करोहा से, उनका कहना है कि समस्या काफी समय से बनी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है। और उनका कहना है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं उसके बावजूद भी कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर जागा नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ पर जागा नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि लेकिन अब हमें उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और पानी की आपूर्ति पर उन्होंने कहा है कि जैसे तैसे लोग कर रहे हैं, दूसरे गाँव में जा रहे हैं पानी लेने के लिए। जी यही तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है ना कि लोगों तक पानी पहुंच नहीं रहा है, पानी रास्ते में ही निकल जा रहा है। अभी आपके सामने ही देख रहे हैं किस तरीके से लोग अपनी पीड़ा व्यथा कर रहे हैं कि हम लोगों तक पानी पहुंच नहीं रहा है। और यह समस्या है कि जल निगम की पानी जब रास्ते में ही टूट गई है बह रहा,
है, इस पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है और पानी काफी हजारों लीटर रोज बर्बाद हो रहा है। तो जल निगम ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, आपकी बात जे हिसाब से क्या हो पाई है? जी हमारी बात जेई से हुई है, चूंकि ये जेई का ही कार्य है, जेई इसको आकर के जो है फील्ड में अपना टहले और उसको बात ठीक कराए, तो जेई का साफ तौर से इसमें कहना है कि वो वहां तक जो है लॉक किया गया है, आगे सप्लाई नहीं देने का आदेश है। लेकिन मान लिया रणविजय कि लॉक किया गया है यहाँ पर, आगे सप्लाई नहीं देनी है, तो पानी की बर्बादी तो हो रही है ना? जी जी जी, तो पानी की बर्बादी पर तो कुछ बोला होगा उन्होंने, ये पानी को ऐसे बर्बाद करते हैं। कहना यही है कि ग्रामीणों ने जेई साहब को हम फोन मिला रहे सैदाबाद से, क्या मेरी बात सैदाबाद जेई साहब से हो रही है? जी मैम, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बताएं मैम। एक समस्या है करोहा से, समस्या ये है कि वहाँ पर एक अंडरपास बना हुआ है, अंडरपास के नीचे लगातार जो पाइपलाइन है उसे लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। क्या आपके संज्ञान में मामला है? करोहा बता रहे? हाँ जी करोहा, रोड चौड़ीकरण में मेन एनएचआई है जी, इसलिए वहाँ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पाइपलाइन। हाँ। तो उसको रिपेयर किया गया बीच में जो है, ठीक है जी। लेकिन आए दिन अक्सर जो है एक्चुअल वहाँ हमेशा जो है पानी प्रेशर थोड़ा सा टैंक के पास में है और वो मेन रोड के दूसरे साइड में है, इसलिए प्रेशर की वजह से तोड़ देता है और वो पानी जिस एरिया में जा रहा है उस एरिया में उस योजना से पानी देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनएचआई के दूसरे पार में है, ठीक है। हाँ तो उसको लॉक करवा दिया जाएगा पुनः जैसा तो मान लिया हमने कि आगे योजना के तहत नहीं है, पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन पानी की जो बर्बादी हो रही है वो तो आप समझते हैं ना कि पानी की कितनी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। जी मैम, जी मैम, जी मैम। तो इतना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो एक्शन लीजिए ना सर इस पे, आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? नहीं नहीं ठीक है, उसको जो है विद इन 2-3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करवा देते हैं। 2-3 दिन बाद मैं फिर फोन करूंगी सर। ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रणविजय जी। जेई जल निगम सैदाबाद हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि योजना के तहत वहां पर पानी नहीं देना है, ठीक है वो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में समस्या ठीक हो जाएगी। कितनी उम्मीद और कितने इनके आश्वासन पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आज का मामला तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बीच में भी ये समस्या आई थी, ठीक करा दिया गया था। है लेकिन अभी भी तो लोग जो शिकायत कर रहे हैं उस पर भी तो इनको अमल करना चाहिए कि ये देख रहे हैं आपके सामने जो ग्राउंड जीरो पे हमने गए थे, देख रहे हैं आप किस तरीके से पानी वहाँ तालाब बना हुआ है, 2-3 दिन में कह रहे हैं ठीक कराने के लिए, तो ठीक है 2-3 दिन में जब काम वहाँ शुरू होगा तो हम फिर वहाँ पर देखेंगे। जी ठीक है रणविजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो प्रयागराज का एक पूरा मामला है जहां पर करोहा गांव और यहां पर एक अंडरपास बना हुआ है जिसमें पाइपलाइन जा रही है पानी की, जो कि लॉक कर दी गई है और जिसकी वजह से लीकेज की समस्या बनी हुई है और लगातार हजारों लीटर पानी बह रहा है। फिलहाल हमारी जेई साहब से बात हुई है जल निगम के, उनका कहना है कि 2-3 दिन में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, देखते हैं क्या धरातल पर भी समाधान नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाला इंडिया।